शिवाजी जयंती समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित संसद सदस्य श्री संभाजी छत्रपति जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जन, आप सभी को शिव जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शिवाजी महाराज की एक उत्तम और उत्कृष्ट कोटि की एक कलाकृति मुझे भेंट की गई है। कभी कभी राष्ट्रपति भवन में इसके अभाव का मैं अनुभव करता था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि उस वो अभाव की कमी जो है आज पूरी हो गई और ये राष्ट्रपति भवन में थी। शिवाजी जयंती के अवसर पर बड़े पैमाने पर राजधानी दिल्ली में ये आयोजन करने के लिए मैं अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समिति को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में अनेक कार्यक्रम होंगे। उनमें से एक कार्यक्रम में लगभग 300 कलाकारों द्वारा शिवाजी के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई कि सांसद श्री संभाजी छत्रपति की पहल पर इसी समिति द्वारा प्रतिवर्ष रायगढ़ किले में होने वाला शिवाजी राज्य अभिषेक महोत्सव बहुत लोकप्रिय हो गया है। कहा जाता है कि लगभग 2 लाख लोग वहां पिछले महोत्सव में आए थे। ऐसे आयोजनों के जरिए शिवाजी के आदर्शों के बारे में सभी देशवासियों को अवगत कराने का प्रयास सराहनीय है। केवल 50 वर्षों के अपने जीवन काल में भारत के इतिहास को निर्णायक योगदान देने वाले शिवाजी हमारे देश की सबसे प्रेरक विभूतियों में से एक हैं। उन्होंने न्याय और आजादी के पक्ष में संघर्ष का महान आदर्श प्रस्तुत किया। उनका संघर्ष अपने निजी मान सम्मान या धन दौलत के लिए नहीं बल्कि स्वराज के लिए था। उन्होंने दासता और हीन भावना से ग्रस्त हो चुके लोगों में आत्मसम्मान जगाया। शिवाजी के जीवन के विषय में जानने पर कोई भी दंग रह जाता है कि एक व्यक्ति में इतने सारे गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं। वे अद्वितीय योद्धा थे। अपनी छोटी सी सेना के सहारे विशाल सेनाओं को परास्त करने के लिए उन्होंने जो युद्ध शैलियां अपनाई उन पर अध्ययन होते रहे। जिसे हम मॉडर्न एज में गुरिल्ला वार कहते हैं। कहा जाता है कि भारत में गुरिल्ला वार की एक्सपर्टीज सबसे पहले यदि किसी ने इस तकनीक को अपनाया है तो वो शिवाजी महाराज थे। पूर्ण अनुशासन, तेज गति, सतर्क गुप्तचर और सिपाहियों में वफादारी उनकी सैनिक व्यवस्था की विशेषताएं थी। उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम सिपाही एक ही झंडे के नीचे युद्ध करते थे। शिवाजी भारत में नौसेना का निर्माण करने वाले पहले शासक थे। लगभग 250 साल पहले शिवाजी की सेना की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले मराठा योद्धाओं को लेकर मराठा लाइट इन्फेंट्री का गठन किया गया। आज भी इस इन्फेंट्री का युद्ध घोष है, बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
वीर योद्धा होने के साथ साथ शिवाजी कुशल राजनयिक भी थे। बिना कोई युद्ध किए उन्होंने कई किले अपने अधिकार में ले लिए थे। साथ ही उन्होंने कई नए दुर्गों का बहुत ही कम समय में निर्माण भी करवाया था। अपने राज्य का गठन करने के बाद शिवाजी ने कुशल और प्रबुद्ध शासक के रूप में भी लोकप्रियता पाई। उन्होंने अनेक प्रभावी व्यवस्थाएं शुरू की। आज की भाषा में कहें तो वो एक सिस्टम बिल्डर थे। 8 मंत्रियों की एक परिषद उनकी मदद करती थी जिसे अष्ट परिषद कहा जाता था। उन्होंने उर्दू फारसी के प्रशासनिक शब्दों के संस्कृत भाषा में समान अर्थ वाले शब्दों का संकलन करवाया और राज व्यवहार कोष के नाम से प्रकाशित किया। यह अपने ढंग का पहला शब्द कोष है। शिवाजी ने जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी लोगों को जोड़ने का काम किया था। वे बिना किसी जाति संप्रदाय के भेदभाव के योग्यता के आधार पर सैनिकों और प्रशासन के अधिकारियों को नियुक्त करते थे। अच्छी शासन व्यवस्था प्रदान करने, जनता के प्रति उदार और न्यायप्रिय बर्ताव करने और लोक कल्याण में लगे रहने के कारण लोगों के हृदय में शिवाजी के लिए बहुत सम्मान था। इसीलिए लोक साहित्य में शिवाजी को बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। शिवाजी के सामाजिक लोकतंत्र के आदर्श हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा महिलाओं का सम्मान करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका अपनी माता जीजाबाई के लिए जो सम्मान था वो अपने आप में एक मिसाल है। बाल गंगाधर तिलक ने आजादी के आंदोलन में जन साधारण को एकजुट करने के लिए शिवाजी महोत्सव का आयोजन करना प्रारंभ किया था। शिवाजी को इतिहास में जो सम्मान प्राप्त हुआ है उनके मूल में उनकी वीरता के साथ साथ उनकी न्यायप्रियता, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उनकी निष्पक्ष उदारता का प्रमुख योगदान है। मैं एक बार फिर शिवाजी जयंती महोत्सव से जुड़े सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है और लगता भी है कि जो यहाँ का ऑडियंस है, लोग उपस्थित हुए हैं, बिल्कुल ठीक कोल्हापुरी। यदि इस छोटे से स्थल को यदि हम मिनी कोल्हापुरी कहें, मिनी कोल्हापुर, तो इसके अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि समारोह में 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश में शिवाजी की वीरता, सामाजिक आदर्श, सामाजिक एकता, सुशासन और राष्ट्रीय एकता के आदर्श प्रसारित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।